पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, बट उधर देखिए भाई, एक जिंदगी ये भी है, इसे भी एक जिंदगी कह सकते हो ना भाई। कोई किसी का नहीं होता खाने वाला या करने वाला, ये देखिए इधर फोटो खिंचाने के लिए आते हैं, बट इधर एक बंदा बैठा है, ये इसी ने कुछ नहीं खाया, पब्लिक निकल के जा रही है, कोई किसी पूछ नहीं रहा क्या भाई खाना खाओगे या कुछ करोगे। बंदों को पूछना तो चाहिए कभी कभी के खाना खा लो भाई, कोई किसी का नहीं होता हकीकत पूछो तो भाई। और आप लोग बोलते हो कि भाई 5 रुपए की हेल्प करता है और इतनी इतनी बड़ी बातें करता है, तो भाई बातें करने की बात नहीं होती। अगर सच बताऊँ तो आप भी किसी की 5 रुपए की हेल्प करो और आपको ही पता चलेगा कि आपने क्या करा है, ठीक है। मैं बिल्कुल खा लें, ठीक है, मैं उससे पूछता हूँ जाके खाना खाओगे क्या नहीं, तो फिर पूछ ले। तो अंकल छापड़ आपने खाना नहीं खाया, तो भाई इन्होंने खाना नहीं खाया, वन सेकंड, तो इन्होंने खाना नहीं खाया तो मैं इन्हें खाना खिलाऊंगा, और मतलब बेचारे भूखे बैठे बहुत देर से, पानी भी नहीं पिया, तो ठीक है मैं इन्हें खाना खिलाता हूँ, ठीक है। तुम्हारा भाई लेके आया बिरयानी है और ये, तो भाई कोई किसी का नहीं होता, सच बोलूँ तो भाई बंदों की हेल्प करनी चाहिए हमेशा, खाना वाना देना चाहिए यार, क्या हो गया बेचारे ये भूखे बैठे। अंकल सापर, ओके, अगर आपने खाना नहीं खाया कितने दिन से, सापर नहीं खाया, चाहिए तो बताओ एनीथिंग, तो ये भाई भूखे बंदे बैठते हैं तो इनके लिए होना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, ओके सब दिया, ठीक है गाइस। ऐसे बंदों की हेल्प करो जैसे आप देखते हो किसी ने खाना नहीं खाया तो उनके लिए हमेशा करनी चाहिए गाइस।